फिश का कटाकट है और आ जाते हैं जल्दी से अपने फिश कटाकट जो कि हम बनाएंगे फिश स्ट्रीट की बहुत ही ज़बरदस्त सी वाइट फिश फिले से। अच्छा, इसमें आप चाहे वनस्पति डालें, चाहे आप इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डालें। मैं काम करती हूँ यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ये तकरीबन आधा कप के करीब चला गया। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें एक ज़रा बड़े साइज़ की प्याज, इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए तवे पे मैं बना रही हूँ, आपका दिल चाहे तो तवे पे बनाएं, नहीं तो आप, क्योंकि फ़िश कटाकट है, इजीली आप इसको घर में किसी भी पैन में बना सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स करते हैं। अच्छा, हल्का सा इसको मैं फ्राई करूँगी, ठीक है, ज़्यादा इस पर हम कलर नहीं देंगे। ये हो जाएगा, जैसे ही हो जाता है तो मैं इसमें शामिल करूँगी ये टमाटर। मेरे पास टमाटर है, 4 से 5 टमाटर ले लीजिएगा, बड़े साइज़ के हैं तो 3 बड़े साइज़ के, क्योंकि जो हमारे पास फ़िश है ये हाफ़ के जी से थोड़ी ज़्यादा ही है। और कितनी ज़बरदस्त इसके फिले लग रहे हैं कि मैं दिल चाह रहा हूँ और बहुत सारी इससे रेसिपीज क्रिएट करूँ इंशाल्लाह ताला। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें डालेंगे बाकी अपने नमक मिर्च मसाले, वही नॉर्मल इन्ग्रीडियंट, लेकिन उससे बेहतरीन चीज़ बनेगी इंशाल्लाह ताला। चले जी, इसको थोड़ा सा हम मज़ीद मिक्स कर लेते हैं। और ये इतनी झटपट बनने वाली रेसिपी, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा हम देर से बनाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये इसी ब्रेक में आप इसको समझ लेंगे। ये हो गया, अब बारी आती है गए ये टमाटर, ठीक है। टमाटर के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये चला गया। इसके बाद हम अपने इसमें नॉर्मल मसाले डालेंगे, नमक जायके के मुताबिक, लेकिन मैं यहाँ पर तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून और कुटी हुई भी इसमें डालेंगे हम तकरीबन 3/4 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा ज़्यादा। ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया। नहीं सॉरी, वो ज़ीरा नहीं था, वो धनिया पाउडर था। ये है पिसा हुआ गरम मसाला, ये गया। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ ताकि टमाटरों को हम थोड़ा सा गला लें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कटाकट जब बनता है तो उसमें टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा भुने हुए नहीं होते, हल्के से चंकी सी लेते हैं, लेकिन आपका दिल करता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया, बहुत ही जल्दी बनने वाली ये डिश है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास दही भी मौजूद है, इसका अगर मुझे कवर दे दिया जाए ना तो ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाएगी मुझे। चलें, कोई बात नहीं, आ जाता है, मंगवाते हैं अब्दुल्ला से, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं काम करती हूँ कि इसमें ये दही जो मेरे पास है ये तकरीबन 1/2 कप के करीब है, ये गया दही 1/2 कप। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए या थोड़ा बहुत कम भी हो जाए तो कोई इशू नहीं, ये चला गया। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखेंगे कि इतनी झटपट बनने वाली चीज़ें तैयार हो तो आपको कोई मसला नहीं होगा। बहुत, ये देखा आपने टमाटर इसमें कितनी जल्दी मिक्स होना शुरू हो गए, थोड़ा सा मज़े का मसाला तैयार हो रहा है, मसाला तैयार हो रहा है। अच्छा, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा कसूरी मेथी को हम इसमें शामिल करेंगे तो हो जाएगा ये ज़बरदस्त सा कटाकट तैयार। तो अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं ये फिश स्ट्रीट की ज़बरदस्त वाइट फिश फिले, जिसके हमने पीसेस कर लिए, इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। हाउस ऑफ सांबला ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिए हैं अंडर वन रूफ, आप लोगों को डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, जिस तरह से ये फ्रेश स्वीट है, सिब्लू है, और इसके अलावा हम आपको बताते चले, रिकॉसा है फॉर डिजर्ट्स एंड स्मूदी, डैंडी है, हिल्स एंड वेल्स है, एंड फ्रेश स्वीट की वैरायटी है जहाँ पर आपको केक मिक्स, पीनट बटर, इस तरह की तमाम चीज़ें मिलेगी। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ डिजर्ट्स एंड स्मूदी के बारे में। डैंडी, बॉन बॉन, कैरमल आइसक्रीम, क्लासिक, कोकोनट, हेजलनट, पीनट, पिस्ताचो, स्ट्रॉबेरी और वैरायटी ऑफ आइसक्रीम्स जो दी हैं वो दी हैं बॉन बॉन डैंडी। ये बहुत ही शानदार एंड मज़ेदार, और इसके साथ साथ हिल्स एंड वेल्स ने भी कमी नहीं की, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी क्रामल कैरमल क्रम्बल चॉकलेट पंच लो फैट भी मौजूद है। यानी अब जिन लोगों को लगता है कि जी आइसक्रीम दिल करता है लेकिन डाइटिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो अगर बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है तो लो फैट आइसक्रीम आपको दे रहा है हिल्स एंड वेल्स भी। तो ये है बहुत ही शानदार, ना सिर्फ कि डायरेक्टली आइसक्रीम्स आप खा रहे होते बल्कि आप बहुत सारे डिज़र्ट्स में भी यूज़ कर रहे होते हैं, जिनके साथ सर्व की जाती है, जिनके साथ मिक्स करके रेडी की जाती है, या फिर स्मूदी या फिर कोई शेक। तो हिल्स एंड वेल्स एंड बॉन बॉन डैंडी,
ये बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम्स के डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स दे रहे हैं आपको अंडर वन रूफ ऑफ सामरा। यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रही हैं जो कि हम फ्रेश ट्रीट तो बहुत यूज़ होता है, आपका बार बार बता रही होती है, मतलब मुझे लगता है वीक में एक दफ़ा से दो दफ़ा हम जरूर इसको बता रहे थे। हाँ, क्योंकि चीज़ें इतनी क्विक बन जाती हैं, इसी तरह सोचती हूँ आप लोगों को ये चीज़ें पता होना चाहिए ताकि आपका किचन भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से जब भरा हुआ होगा आपको कुकिंग करने में भी मज़ा आएगा। इसको मैंने दो मिनट के लिए कवर कर दिया, अब उसको मैं खोलती हूँ, इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी और थोड़ा सा इसको कटा कट कर लेंगे। फिश आपको पता है कि फटाफट बन जाती है, ये गल जाएगी, तो इसके बाद हम इसमें हरा धनिया है, ये कुछ है हरी मिर्चें हैं कटिंग हुई हुई, कटी चॉप की हुई हरी मिर्चें, ये डालेंगे इसमें। इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, आप डन करें फिर हम ब्रेक लेते हैं। चलें चलें जी, एक काम करते हैं, मैं डालती हूँ इसमें थोड़ा सा ये हरा धनिया, ये गई इसमें हरी मिर्च और अब इसमें जाएगी कसूरी मेथी या कसूरी, ये देखिए जी कसूरी मेथी कितनी डालेंगे हम इसमें, तकरीबन 1 टीस्पून। अब ब्रेक टाइम में मैं इसको कटा कर लूँगी, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह तैयार हो। अच्छा, तो इसका मतलब ये मोटे पीसेस फिश फ्ले के नहीं रहेंगे जो कि हमने फ्रेश पीस की वाइट फिश ले ली थी, बल्कि ये अच्छा चॉप्ड होगा क्योंकि कटा कट है तो ऑब्वियसली उसी फॉर्म में होगा। दैट्स इट, आपको कुछ और नहीं बताना आपने। नहीं, बस